राजनीति में मर्यादाओं का उल्लंघन करना और उल्लंघित मर्यादाओं को इस कदर एक नई परिभाषा देना जिसमें आम आदमी पार्टी का एक नेता एक 100 वर्षीय महिला का अपमान इसलिए करता है क्योंकि उस मां ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने देश का आशीर्वाद पा प्रधान सेवक का दायित्व का निर्वाह किया। अरविंद केजरीवाल भलीभांति जानते हैं कि उनके गुजरात के ये नेता हिंदू समाज का अपमान करते रहे, मंदिर में महिला की भूमिका पर मर्यादा से परे हटकर टिप्पणियां देते रहे और अब आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैंने जितना गुजरात और गुजरातियों को अपने जीवन में समझा है, मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2 शब्द साफ कहना चाहती हूं। राजनीतिक हार। गुजरात में आम आदमी पार्टी का यही भविष्य आगामी चुनाव में होने वाला है। आपने प्रधान सेवक की मां का अपमान नहीं किया, आपने गुजरात की एक 100 वर्षीय महिला का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि उनका बेटा आपकी राजनीतिक मंशाओं को पूर्ण होने नहीं दे रहा। मैं अरविंद केजरीवाल जी से साफ आज कहना चाहती हूं, शब्द कम पड़ते हैं आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, लेकिन गुजरात और गुजराती आम आदमी पार्टी को न्याय दिलाएगा और आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में ध्वस्त होगी, ये संकल्प गुजरात और गुजरातियों का है। इन एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट पॉलिटिकल अटेंशन, आम आदमी पार्टी has given many a political statements that has hurt sentiments of Gujarat and Gujaratis, from propagating myths about the Hindu way of life, from slurring Hindu women and religious institutions. Now with the blessings of Arvind Kejriwal, आम आदमी पार्टी लीडरशिप इन गुजरात मलिशियसली इन एन अब्यूजिव फॉर्म अटैक्स द प्रधान सेवक्स 100-year-old मदर। दैट अरविंद केजरीवाल कुड फॉल टू न्यू लोज इज नॉट सरप्राइजिंग। What Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party does not realize is the esteem with which Gujarat and Gujaratis hold women and especially mothers in our society. Today, this message is for Arvind Kejriwal. In the forthcoming elections of Gujarat, Gujarat and Gujaratis will ensure political defeat of the Aam Aadmi Party. That you do not spare a 100-year-old lady, her only crime is not that she's in politics, but that she gave birth to Narendra Modi. Your leaders and workers seek to punish her and abuse her. Mr. Kejriwal, the people of Gujarat
have now decided to stand in your judgment. If you think abusing the Prime Minister's mother will help you gain political popularity in Gujarat, you are mistaken. And for that mistake, it is Gujarat and Gujaratis that will make you pay a political price in the forthcoming elections. Thank you. Madam, there is no community in Gujarat or our entire nation state that will allow abuse of an elderly lady. Why an elderly lady? Abuse of any woman is not permitted by any community. The fact that after abusing a mother who is not in politics, he seeks to hide behind new excuses, shows that the Aam Aadmi Party will use any political leverage, will use any community, will use any gender to meet their own political ends. Narendra Modi has always said, abuse him, he is ready for that political onslaught. Do not abuse the motherland has always been his plea. And today, karyakartas like me want to say, abuse us, abuse our organization, for that is your political goal. But it is absolutely unforgivable if you seek to abuse a 100-year-old woman who has nothing to do with politics. The people shall not spare such a political attack. जान बूझकर कहे जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी जनप्रतिनिधि बिना अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शन, अरविंद केजरीवाल द्वारा सौंपा गया दायित्व, इसके बिना एक शब्द नहीं बोलता। तो आपको भले ही ये शब्द गुजरात के आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के लगते हों, आदेश लेकिन अरविंद केजरीवाल का है। क्या ये पहली बार है कि गुजरात के इस आम आदमी पार्टी के नेता ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है? हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू महिलाएं, मंदिर, इस हर विषय पर टिप्पणी की गई है अमर्यादित। क्या अरविंद केजरीवाल नहीं जानते कि किस प्रकार का बयान उनके नेता कर रहे हैं? ये जानते हुए अरविंद केजरीवाल के इंस्ट्रक्शन पर, नरेंद्र मोदी जी की माताजी पर इस प्रकार से अभद्र प्रहार हुआ है। शब्द आम आदमी पार्टी के एक नेता के भले ही हों, आदेश अरविंद केजरीवाल का है। एनसीडब्ल्यू बुलाया गया तो वहां पर प्रदर्शन भी हुआ और फिर वो बाहर जब डिटेन होने का विषय, दोबारा मैं आपसे कहती हूं, अपने लिए राजनीतिक किसी ना किसी प्रकार से लाइमलाइट में रहने के लिए आपको भले ही लगता हो इस प्रकार के वाक्य कहे गए हैं, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप अपनी पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए इस हद तक गिर सकते हैं? तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है मात्र, ये अंदर का चरित्र का प्रमाण है, द्वेष का प्रमाण है। मेरा प्रश्न ही उठता है, उस 100 साल की महिला ने क्या पाप किया? उस 100 साल की महिला का राजनीति से क्या सरोकार? आपको हमला करना है, हिम्मत है, तो
तो आप सिर्फ पॉलिटिकल जो लोग हैं उन पे हमला कीजिए ना, 100 साल की मां के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। और दोबारा कहती हूं, अरविंद केजरीवाल के आदेश पर यह हुआ है, वरना कोई भी व्यक्ति, यहां जितने लोग खड़े हैं, आपका चाहे कोई भी प्रतिद्वंदी हो, आप किसी की मां को इस प्रकार से गाली देंगे? ये राजनीतिक विवशता नहीं है, ये चरित्र का प्रमाण है। और क्योंकि इस प्रकार का चरित्र है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल के इस प्रकार के आदेशों को स्वीकार किया जाता है। Not a single Aam Aadmi Party leader has come out and condemned the statement. In fact, they are coming out and that's because it is under the direction of Arvind Kejriwal. आप मुझे बताएं, हीरा बा का राजनीति से क्या लेना देना है? आप मुझे बताएं, कब नरेंद्र भाई ने अपनी जाति के आधार पर इस देश में राजनीति की हो? आप मुझे बताएं, आप स्वयं एक कामकाजी महिला हैं, यहां पर कामकाजी पुरुष उपस्थित हैं, आपके भी कोई प्रतिद्वंदी होंगे कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में, ये कैसे हमें स्वीकार हो सकता है कि 100 साल की वृद्ध महिला पर इस प्रकार की टिप्पणी हो? हिम्मत है अरविंद केजरीवाल में तो आकर गुजरात की धरती पर एक बार गाली बक कर देखे नरेंद्र मोदी की मां को। आज चुनौती देती हूं, खुद को कृष्ण का अवतार कहते हैं, कृष्ण का स्वरूप क्या है? वृद्ध महिला पर लांछन लगाना, अभद्र टिप्पणी करना? मैं दोबारा कहती हूं, अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो गुजरात की धरती पर आकर दोबारा अपने मुंह से यह शब्द कहकर दिखाएं। इसका जाति से कोई सरोकार नहीं है, कोई जाति कोई धर्म इस देश में किसी की मां का अपमान का निर्देश नहीं देता। आप मुझे दिखाइए किस जाति में किस धर्म में यह आदेश है। 100 साल की औरत को नहीं बख्शा अरविंद केजरीवाल ने? हिम्मत है तो आकर दिखाएं और बोले वहां पर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माई इशू इज दिस, कैन एवरीबडी प्लीज कम टूगेदर एंड आस्क अरविंद केजरीवाल, व्हाई हैज ही नॉट ओनली कंडेम्ड बट थ्रोन आउट सच अ मैन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? राजनीतिक प्रॉफिट क्या इतनी बड़ी बला है? सारी मर्यादाएं त्याग दोगे? और अरविंद केजरीवाल से जुड़े लोगों से कहना चाहती हूं कि जो व्यक्ति इस बात का आदेश दे कि 100 साल की औरत पर आप अटैक करो, आपको लगता है ऐसे नेतृत्व की छाया में बाकी महिलाएं सुरक्षित हैं और सम्मानित होंगी? There will be punitive electoral action by the people of Gujarat. दोबारा कहती हूं, अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो दूसरों से क्या बुलवाते हो? और छुपना बंद करें शब्दों के पीछे अरविंद केजरीवाल। थैंक यू।